दिन आप लोगों ने ट्रेलर में उस्मान बेग को ये कहते हुए सुना कि ताजुद्दीन नूयान की फौज आ रही है, लेकिन उससे पहले हम ताजुद्दीन नूयान पर हमला कर देंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस्मान बेग ने हमला किया, जिसका सीन हम ट्रेलर में देख चुके हैं। फिर उस्मान बेग हेमे में जाते हैं और वहाँ पर ताजुद्दीन नूयान को भी पकड़ते हैं। वहाँ पर मेहमद भी मौजूद था। तो क्या यहाँ पर ताजुद्दीन नूयान का खात्मा हो जाएगा? तो नाजरीन, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उस्मान बेग ताजुद्दीन नूयान को सिर्फ धमकाएंगे, इसका खात्मा नहीं करेंगे, क्योंकि ये किरदार बहुत आम है। ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी जल्दी इस किरदार का खात्मा हो सके। बात करते हैं बेंदर बे की। नाजरीन, बेंदर बे ने जब सीजन 4 से अपनी शुरुआत की तो वो एक लालची इंसान था। सोने और पैसों ने बेंदर बे को इतना अंधा किया था कि वो उस्मान के हर जानी दुश्मन का साथ दे रहा था, जिस पर बहुत से लोगों ने इस किरदार को नापसंद किया। लेकिन बाद में उसने उस्मान बे का साथ दिया और हमेशा के लिए लालच की जिंदगी को हैराबाद कहा, जिस पर लोगों के दिलों में बेंदर बे के लिए मोहब्बत बढ़ गई। लेकिन मेहमद बोजेक से झगड़ा करने के बाद बेंदर बे ने सीरीज को हैराबाद कह दिया। और ट्रेलर में आप लोगों ने देखा कि एमरन टेंगर के हाथों इसकी शहादत दिखाई जाएगी और इस तरह बेंदर बे का चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो जाएगा।